हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अनुचुंबकीय मटेरियल्स को याद करने का ट्रिक और अनुचुंबकीय मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है ये बताया था, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स को याद करने का ट्रिक। प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, आज का टॉपिक यही है, प्रमुख प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इनको याद करने का ट्रिक है ए बिसो जनता चाही, ए बिसो जनता चाही। इस सेंटेंस को याद रख लीजिए और इसी सेंटेंस के थ्रू आप याद कर पाएंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स प्रतिचुंबकीय होते हैं, मीन्स डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। जैसे पिछले वीडियो में बताया था अनुचुंबकीय मटेरियल्स को अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन रहता है अनुचुंबकीय मटेरियल्स हैं और ऑप्शन दिया रहता है ऑक्सीजन, सोडियम एक्सेट्रा, उसी तरह से इसमें भी प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स कौन कौन से हैं, प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स हैं ऐसे चार ऑप्शन दे देता है, उसमें से सही ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, इसके थ्रू आप याद कर पाएंगे। तो यहाँ पहला है ए, आप देख पा रहे हैं पहला ए है, ए से हो जाएगा एंटीमनी। ठीक है, ए से एंटीमनी, बी से बिस्मथ, यहाँ अगला है बी, वी से बिस्मथ, उसके बाद आ रहा है सो, सो से हो जाएगा सोना, ध्यान से देखिएगा सो, सो से सोना। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है ज, ज से हो जाएगा जस्ता, ज से जस्ता। फिर नेक्स्ट है न, न से होगा नमक, नमक, नमक भी प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है ता, ता से तांबा, ता से हो गया तांबा, तांबा भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद चा, चा से चांदी, चांदी भी प्रतिचुंबकीय मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ही है, ही, यहाँ गौर करिएगा ही, ही से तीन यहाँ पे वर्ड निकाले गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ही से पहला बता रहा हूँ, ही से हीरा, हीरा है। ठीक है, हीरा, और दूसरा क्या है, हवा, हवा, और तीसरा, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ही से हीरा, हवा और हाइड्रोजन। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा हमेशा के लिए, ए से हो गया, ए से क्या हो गया, एंटीमनी, बी से बिस्मथ, सो से सोना, ज से जस्ता, न से नमक, ता से तांबा, चा से चांदी और ही से हीरा, हवा और हाइड्रोजन। आगे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है आगे सारा का सारा, पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं कॉपी पर नोट कर लीजिए। और अब बात आती है इनके प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान से देखिएगा, ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों का मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इन मटेरियल्स को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को, प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स को या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ध्यान दीजिएगा, पहला वीडियो, पिछला वीडियो आप देखे होंगे अनुचुंबकीय मटेरियल्स में क्या थे, अनुचुंबकीय मटेरियल्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते थे, बट ये प्रतिचुंबकीय मटेरियल्स हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत चुंबकित होते हैं। ठीक है, विपरीत वर्ड ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस इनकी प्रॉपर्टीज और ये सेंटेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन। ओके।